25 अक्टूबर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की देखरेख में होगा चुनाव, ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। ये सत्र जो है एक दिन का ही रहने वाला है, जबकि स्पीकर के लिए स्पीकर को दिलाई। राजीव जेटली का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, आज लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के विधायकों की एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के अंदर जो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में। रोहतक में बोले रामचंद्र जांगड़ा, कहा प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं पर हर हाल में खरा उतरेगी, मंत्रिमंडल का गठन होते ही सरकार एक्शन मोड पर काम कर रही है। जो जनता ने जो उम्मीदें की हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से, उन जनताओं की अपेक्षाओं। विकास कार्यों को लेकर बोले रामचंद्र जांगड़ा, कहा विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी, किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। प्रतिनिधि होने के नाते हम ही सबको यह हिदायत है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी सरकार के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं या होने चाहिए। कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कृष्ण बेदी, कहा शिक्षा चिकित्सा और सुरक्षा देना हरियाणा सरकार का मुख्य ध्येय रहेगा, विजेताओं को पुरस्कृत किया। मोटो हमारी सरकार का शिक्षा चिकित्सा और सुरक्षा, शिक्षा भी बड़ी मूलभूत जरूरत है हमारी। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले कृष्ण बेदी, कहा यह सौभाग्य है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ हुई और कुरुक्षेत्र जिला सीएम सिटी बना। कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी है और इस सरकार के अंदर हमें कुरुक्षेत्र जिला को प्रतिनिधित्व मिला है। रोहतक में मंजू हुड्डा की कुर्सी पर खतरा, 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का दिया पत्र, जिला उपायुक्त की तबीयत खराब होने के कारण बैठक कैंसिल हुई। साहब ने ये कहा है कि मैं बीमार हूँ, रीजन दे दिया, ये रीजन होता हमने सामने अंदेशा हो गया था इस बात का है, एक दो नेता हम उसको प्रमोट नहीं करना चाहते वो। रेवाड़ी में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, एचएसवीपी स्टेट ऑफिसर को नोटिस जारी, खाली पड़ा विभाग की जमीन पर कचरा डलवाने और जलाने का रोक के लिए पत्र लिखा। संज्ञान में है कि एक नोटिस आया है और यह कंटेनर डिपो के रिगार्डिंग यहां पर एमसी ने एक दीवार खड़ी। रेवाड़ी में हो रही गंदगी पर बोली महिला, कहा इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिससे बच्चों के बीमार होने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही। क्या करें, हम तो अंधेरे ही है, अगर इधर तो सारा कचरा वाला ने वो शाम को टाइम वो जो आता है वो लोग हर तरह का मंडी का मार्केट का घरों से जो भी कूड़ा करकट आता है सभी लोग यही डालते हैं, बाहर के अंदर गाड़ी जो भी आती है वो भी सारा यही डालती है। आज इसको यहाँ से हटवाया जाए जिससे सफाई हो, लोगों को बीमारी ना हो, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो, और रात को यहाँ पे चला दिया जाता है जिससे प्रदूषित हो जाता है, यहाँ पे लोग रुक नहीं सकते रात को। पार्षदों का मंजू हुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी नेता पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी नेता नहीं चाहते थे कि मंजू हुड्डा को हटाया जाए, उसके लिए उसने अधिकारियों पर दबाव बनाया। हमारा किसी पार्षद के साथ कोई अनहोनी होती है, अगर वो थका एसपी और डीसी के जिम्मेवार होंगे, उन डीसी ने। पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई, पानीपत में कई किसानों के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारियां भी हुई, पराली के भाव में रिफाइनरी का एथेनॉल प्लांट बंद हुआ। पराली की शॉर्टेज होगी, ये प्लांट बंद हो जाएगा, लोग जला रहे हैं, नेशनल लॉस है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है जैसे आप। चुनावी नतीजों से क्षेत्रीय दलों का संकट गहराया, कांग्रेस और इनेलो का सत्ता का बनवास 5 साल और बड़ा, इनेलो का तो चुनाव चिन्ह भी अब खतरे में पड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी का उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा को बड़ा लाभ उसका। जिला पार्षद के बेटे के अपहरण मामले में फिर हुई पंचायत, पंचायत में 11 सदस्य कमेटी का गठन, कमेटी बनाएगी, पुलिस प्रशासन पर दबाव। गांव उन्नड़ा पंचायत ने सारे आसपास के सभी सरपंच साथी थे, गांव को अंडा के आदमी थे, सब ने मिलकर निष्कर्ष पर पहुंचे, गांव ने 11 आदमी की कमेटी बनाई है, जो 11 आदमी कमेटी है, बीच में पंचायत के बीच में सचिव साहब भी आए थे, वो भी पंचायत से उन्होंने भी कुछ और समय मांगा है, और जिसमें हम भी ये चाहते हैं भाई कोई भी ऐसी कोई हम शांतिपूर्वक, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, अगर जो हमारे बच्चे के साथ जिसने भी इतनी शर्मनाक घटना करी है